शुरू हुआ द रिकॉर्डिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जिन्हें इस वक्त किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कभी अपने विस्फोटक बयानों के लिए जाने जाते थे, फिर एक लंबा अरसा जेल में भी काटा। और अगर मैं सच में आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के चुनावों में किसी शख्सियत की सबसे ज्यादा बात हो रही है तो ना वो फारूक अब्दुल्ला साहब है, ना उमर अब्दुल्ला है, ना महबूबा मुफ्ती है। आप जानते हैं वो कौन है? वो है इंजीनियर रशीद। और ये इसलिए बात हो रही है कि हमने देखा इनकी जो रैली है उसमें इन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। आपको याद होगा ये जॉइंट स्लेयर है। जॉइंट स्लेयर मैं क्यों कह रही हूं इन्हें, इन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक बड़ी शिकस्त दी थी और उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव की आप बात करेंगे तो इन्होंने डोमिनेट किया है इसे। इंजीनियर आशीष साहब, बहुत स्वागत आपका। और यहाँ पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपसे बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर तो इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई है नहीं, क्या कहेंगे आप? सच कहना, अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं कंट्रोवर्सी एक्सेप्ट करता हूँ। और वो सच क्या है? सच है जो सच है, कहता हूँ यही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं जार हिला हिल को कभी कह न सका कन। सच ये है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल इशू का रेजोल्यूशन, बैड गवर्नेंस, उसका खात्मा, यहाँ के यूथ को रेस्पेक्ट, नेपोटिज्म का खात्मा और एक ड्यूरेबल पीस इस पूरे इंटायर सब कॉन्टिनेंट में कश्मीर से होकर गुजरता है। अगर हम उसकी बात ना करें तो वो झूठ है, अगर इसकी बात करें तो वो सच है। आप ये बताएं, आपने बहुत सारे पहलू एक ही सेंटेंस में टच कर दिए और ये शायद आपका ये जो लहजा है ये समय वोटर के साथ रेजोनेट करा है, कम से कम क्राउड्स में मैं देख रही हूँ। कुपवाड़ा में आपके लिए जो एक जबरदस्त सपोर्ट था, जो आपने तस्वीरें भी साझा की, जो वीडियोस आपने साझा किए, आप जो लोग वहां आ रहे हैं उनको क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ? कि मैं पॉलिटिकल सवालों पर आऊंगी लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसे बात करना बहुत जरूरी है। डिनायल में कोई रह नहीं सकता, आप कहीं भी रहते हो, आपको ये पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ग्राउंड पर जो इनके लिए तस्वीरें देखने को मिल रही है, उन तस्वीरों के बाद ये सवाल है कि जो लोग आ रहे हैं वोट में तब्दील होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, आ क्यों रहे हैं? पहली बात यह है, लोग एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने खास तौर से जिस तरह कश्मीरियों को दबा के रखा 5 अगस्त 2019 के बाद और उससे पहले 47 से आज तक, न्यू दिल्ली हैज ए हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। हमारे साथ वादे बहुत किए गए लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। तो फिर जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड रीजनल पार्टी थी, उन्होंने एक एक्सटेंशन विंग की तरह काम किया सेंट्रल पार्टी के लिए, चाहे एनसी थी या पीडीपी थी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए उन्होंने उनको एक लॉन्चिंग पैड के तौर अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार ने ताकत के बल पर उन्हें दबा दिया। सेंस ऑफ डिफीट है लोगों में कि 1 लाख लोग भी यहाँ मरे, सख्तियां हुई, 1 लाख लोग मरे कहाँ? 1918 से लेकर आज तक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें मिलिटेंसी और टेररिज्म, जो भी मरा लेकिन मरे तो इंसान ही। लेकिन नरेंद्र मोदी केम इन 2014 इन पावर। मैं मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट दिस टाइम ही इज होल्डिंग द चेयर। मेरा मतलब यह है कि कोई भी मारे गोली से मरता तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो। मेरा मतलब मानवता की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है, तो इस मुद्दे का सम्मान निकालना जरूरी है, लोगों के एस्पिरेशन की बात करना जरूरी है। जो पॉलिटिकल वैक्यूम था तो उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए कश्मीरियों को पूरी तरह लग रहा है कि एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है अवामी इत्तेहाद पार्टी। यही वजह है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। मैं स्टोन बेल्टिंग के खिलाफ हूँ, वायलेंस के खिलाफ हूँ, हम लोगों से हर जगह ओथ लेते हैं। आज नहीं बल्कि आज से भी 10-12 साल 15 साल पहले जब मैं मिलूंगा कि आप वायलेंस न करें, वायलेंस से काफी दूर रहें, हम पॉलिटिकल मसले का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन चाहते हैं, वो भी कुमदल लाइन्स पर नहीं, रियलिस्टिक बेसिस पर। तो अगर ऐसी बात हमारी सुनी ना जाए तो फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो फिल हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के लिए लोगों के पास एक होप है कि ये नसीब का मसला वो आदमी है जो हमारे साथ खुल के हमारे सेंटिमेंट्स की, लेजिटिमेट राइट्स की, सैक्रीफाइस की बात करता है और साथ ही गवर्नेंस डेवलपमेंट और बाकी चीजों की बात करता है। यही वजह है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिर आपने कहा वोट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा कन्वर्ट, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। अभी तो हम जेल में थे, वहां से हमने आपने खुद फरमाया कि एक अच्छे मार्जिन से हराया। जी, उमर अब्दुल्ला के हराने का की खुशी नहीं है, खुशी यह है कि लोग
समझ रहे हैं कि ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। और मैं अपने लोगों से वादा करता हूँ, आई विल नॉट लेट देम डाउन। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा नरेंद्र मोदी ने सप्रेस किया, नरेंद्र मोदी ने कैसे सप्रेस किया? मैं आपको से बता दूं, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट आप उठा के देखें 2019 से पहले और 2019 के बाद, आप टेररिज्म के इंसिडेंट उठा के देखें 2019 से पहले और 2019 के बाद, आप जो सिविलियंस की डेथ है वो देखें कि जो उसमें कमी देखें और वो किसके हाथों हुई वो भी देखें, और फिर भी आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी ने सप्रेस किया। पहली बात यह है, कश्मीर का मसला इट इज नॉट अबाउट फिगर्स एंड डाटा, कितने स्टोन बेल्ट के इंसिडेंट हुए, लेकिन सर प्लीज कितने लोग मरे, इट इज नॉट अबाउट लूजिंग ह्यूमन लाइव्स, इट इज अबाउट हाउ ह्यूमंस विल सर्वाइव। हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक भी आदमी की जान ना चली जाए। अगर आप फिगर्स देंगे, डाटा देंगे, एक टाइम था जब कश्मीर में हर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा था, मैं आई एम टॉकिंग अप 2000 के बाद की बात, पुलवामा को एक बार मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया था, बारामूला को मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया, कुपवाड़ा को मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया, जम्मू में तो मिलिटेंसी का नाम ही नहीं है। मिलिटेंट को खत्म करना और मिलिटेंसी खत्म करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको उस आइडियालॉजी से लड़ना पड़ेगा, मुद्दे की जड़ तक जाना पड़ेगा, काज को कंसर्न करने का। एक दूसरी बात, जब आप कहते हैं स्कूल बिल्डिंग कम हुई है, हड़तालें नहीं हो रही हैं, किलिंग कम हुई है, तो ऐसा नोशन दिया जा रहा है जैसे कश्मीरी बड़े खुश होते हैं जब स्कूल बिल्डिंग होती है। स्कूल बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होता है, स्कूल बिल्डिंग लोग करेंगे क्यों? कश्मीरी चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, खासतौर से जब अमित शाह जी ताकत के बल पर ये कहते हैं कि आप कश्मीर में किसी में कंकर मारने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा दोष दिया जाता है कि जैसे हर कश्मीरी के हाथ में पत्थर है और मारना चाहते हैं। हम पागल नहीं है, कश्मीर का यूथ बेवकूफ नहीं है, वो इमेचर नहीं है, वो उनका एक गुस्सा इसलिए है कि क्योंकि उनको उनसे झूठ बोला जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है नहीं, सप्रेस किया जा रहा है। तो इसलिए हम प्लीज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर के लोगों को है। अगर कश्मीरी सिर्फ पत्थरबाज होते तो आज कल हमारी रेलवे में हजारों की तादाद में नहीं आते, उनको सिर्फ इतना गलत से एक डिग्निफाइड रेजोल्यूशन आए और उसके बाद वो अपना काम काज करें। इस वक्त भी अगर आप देखते हैं कि एजुकेशन रेट, लिटरेसी, कॉलेजों में जाना, बाकी चीजें, कश्मीर का यूथ एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहा है, वो मोदी या अमित शाह के कहने से नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपना अच्छा फ्यूचर चाहे और अपने राइट्स भी चाहे। दे वॉन्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देयर एजुकेशन एंड बिटवीन द पोलिटिकल रिलीजन राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी का मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो 10 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है, 11वां साल चल रहा है, एक साल भी काफी होता है नेशन की हिस्ट्री में, तो कम से कम जब वो आए हमें एक उम्मीद थी कि वो मुंह पे बात बोलते हैं। पहले उन्होंने कोशिश भी की, कहा भी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे हाल हो, वो तो पाकिस्तान गए, लाहौर गए नवाज शरीफ के पास मिलने के लिए, बात भी उनसे की, बाकी चीजें की, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक मतलब धार्मिक विचारधारा की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, तो रामराज में कभी नहीं होगा क्या आप कश्मीरियों को आप मुफ्त कर दें, उसमें गुंजाइश है रिकंसिलेशन की, लेकिन वो रिकंसिलेशन गए ही नहीं, उसे उल्टा किया, 270 हटा दिया, 35 हटा दिया, और आप कह रहे हैं अब सब कुछ ठीक होगा, ताकत के बल पर वो हमें दबा नहीं सकते, वो कुछ भी करें। राशिद साहब आपने बहुत सारी बातें कही हैं, मुझे जो एक दो बात जो थी उसमें से मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे करूंगी। आपको आर्टिकल 370 हटाया जाना, 35 से हटाया जाना, और डेटा मैटर करता है सर, अगर और ये एक परसेप्शन हुए, मैंने कभी नहीं सुना, आप अपने लेवल से इसको देखते हैं और मैं अपने नजर से देखती हूँ, कश्मीरी को स्टोन पेल्टर के तौर पर, क्योंकि मेरी नजर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है मेरे लिए, अयूब पंडित बहुत बड़े हीरो है, ठीक है, मेरे लिए औरंगजेब, राइफल मैन औरंगजेब, मुझे लगता है कि औरंगजेब के नाम को एक तरीके का उन्होंने एक नया आयाम दिया, तो ये सब हीरो है, ये सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मैं इनमें से किसी को भी किसी और हीरो से कम नहीं आती हूँ, ठीक है, मैं लाइन ऑफ बारामूला को जो शेर बारामूला के शेर के तौर पर जानते हैं उनमें भी कम नहीं आती हूँ, लेकिन पॉइंट ये है 370 को हटाया जाना या 35 को हटाया जाना, आपको क्यों लगता है सप्रेशन है? पाकिस्तान की भी सच बात कहे तो मैं कहूँ उन्होंने गलत बोला, हमें पाकिस्तान का कश्मीर जेल लगता है, हमने जेल क्या है, जेल से बदतर है, कैसे बदतर है? मैं आज इलेक्शन की वजह से आज लोगों को कश्मीर की याद आ रही है, आप मैं भी आप या कोई कुछ जर्नलिस्ट भी आए हूँ, सारा नेशनल मीडिया जो नैरेटिव किया वो यही था कि
कश्मीर में मोदी जी की सारा कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप तिहार जेल में मेरे साथ आए, वहां पर कम से कम 20-25 बंदे जो सोशल मीडिया पोस्टों की वजह से तिहार जेल में बंद गए, उन पर UAPA है। आप मेरा ही देखिए, डिस्पाइट बीइंग इलेक्टेड लॉ मेकर फॉर 11 इयर्स, मैं 5.5 साल से जेल में भरा हूँ। आप अगर सप्रेशन नहीं है, गीला नहीं है, पोलिटिकल लीडर था, आपने सप्रेशन की बात की, 3 बार MLA रहे, उसकी आइडिया जिससे आपको मतभेद बिल्कुल हो सकते हैं, होना भी चाहिए, मुझे उनकी वकालत नहीं करनी है। लेकिन जब उनका देहांत हुआ, मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका जनाजा पढ़ने देगा, कम से कम उनको पता अगर गिलानी टेररिस्ट था, गिलानी अलगावादी था, गिलानी कुछ भी था जो उनका पाकिस्तान बलक्सी था, तो एक डिग्निफाइड फ्यूनरल क्या उसका राइट बनता था कि नहीं। तो गिलानी उतना बड़ा लीडर डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद हिम, अगर आप इतनी भी आप में हिम्मत नहीं थी आप मोदी जी में उनकी सरकार में कि उनके उनका एक डिग्निफाइड फ्यूनरल होता, उनको डर किस बात का मोदी जी को था कि वहां पर 10-20 लाख लोग आएंगे, ये सब पैसे नहीं तो और गए, उनका दामाद मेरी मेरा सेल में था। आपने खुद ही ये बात कही कि 1 लाख 10 लाख 15 लाख लोग पहुंच जाते उनके फ्यूनरल में, एक सिक्योरिटी सिचुएशन होती या किसी तरह का वायलेंस होता या उसमें कश्मीरी यूथ के साथ कुछ होता तो वो किसकी जिम्मेदारी होता सर? मैडम मैडम आप खुद ही सवालों का जवाब देती है। Why are you feeling so insecure in Kashmir? मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। 15 लाख चलो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख मिसाल, तो अगर वो अगर वाकई यहाँ पर पीस आया है, अगर वाकई इफ यू हैव इंडियनाइज्ड कश्मीर, फिर डर क्यों इस चीज का? एक मुर्दा आदमी का जनाजा पढ़ना है, उसका धार्मिक अधिकार है। क्यों आप तो देखते हैं कि किस तरह से सोशल एक्सपेरिमेंट जो है सिचुएशन को हाईजैक कर लेते हैं। अभी आपने खुद जिक्र किया 1 लाख लोग मारे गए, इतने सारे यूथ हैं, सिचुएशन कंट्रोल करना तो फोर्सेस की जिम्मेदारी है सर, डिसीजन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेके उन हालात में। सुनिए आपने जो कहा सही कहा, फौज का अपना काम है, मुझे उससे कोई मतलब परेशानी नहीं है। उनको बताया गया कि आप 30 मिनट करो, लेकिन अल्टीमेटली वही सवाल जो है जो आपने 370 की बात की, अल्टीमेटली यानी गिलानी क्या टोटा था, बाकी लोग क्या कहते थे? हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन चाहते हैं, आप तो इतिहास को भी बदल देना चाहते हैं, आप तो इतना झूठ बोले जा रहे हैं 47 से आज तक की शर्म आ जाती है। आप इंडियन स्टेट 47 में आप लोगों को आजादी क्या मिली, इंडिया पाकिस्तान को अपना देश संभाल नहीं पाए, उसके दो हिस्से कर दिए नेहरू जना की पॉलिसी की वजह से, जिना वो नेहरू ने अच्छी मतलब क्या उनका मतभेद थे क्या चीजें थी, दो कंट्री बना दिए, फिर पाकिस्तान के और दो टुकड़े हो गए, वहां आप इकट्ठे नहीं रह पाए, लेकिन कश्मीर आधा उन्होंने खा लिया, आधा आपने खा लिया। खा लिया मतलब राजा ने, महाराजा ने साइन किया, महाराजा कौन था? महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कंडीशन क्या थी? कोई बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। नहीं ना महाराजा, हिस्ट्री आपने मुझसे ज्यादा पढ़ी होगी, बच्चा बच्चा जानता है, परेशानी ये है कि नई दिल्ली पूरी तरह से हिस्ट्री को मतलब रिवर्स करना चाहती है। जब महाराजा ने 3 चीजों पर किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वो कंडीशन था कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे। अब अगर उसने 3 चीजों पर किया, जिन्हें रेफरेंडम भी छोड़ दिए, उन 3 चीजों पर क्या दिल्ली की सरकार नहीं, उन 3 चीजों में हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना प्रेसिडेंट था, आपने जो खत्म कर दिया 370 उसी की कड़ी थी, आपने उसको खत्म कर दिया, बीमारी आपने की, धोखा आपने किया, चीटिंग आपने की, और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। नहीं, लेकिन चीटिंग कैसे की? आर्टिकल 370 टेंपरेरी प्रोविजन था, 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया सर। तो और मैं उस डिबेट में अभी इंजीनियर साहब, क्योंकि हम पॉलिटिकल कैंपेन की बात कर रहे हैं, मैं एक ही लाइन कह के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी कि देश की सर्वोच्च, नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, एक अलग डिबेट है 370 और 35 से अलग। आप अभी मुझसे कहेंगे मुझे जाना है, फिर आप बैठिए मेरे साथ 1 घंटा हम इस पर डिबेट कर लेते हैं। नहीं अभी आप बैठिए मेरे साथ, मैं इस पर डिबेट कर लूंगी आपके साथ। आप मुझे ये भी कह रहे हैं मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सर, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट यू डोंट रिस्पेक्ट, मेरा मतलब इतना है, मेरा मतलब इतना है कि आज जब इलेक्शन आया, सारा हिंदुस्तान का मीडिया कश्मीर आया है। नहीं नहीं, मैं बहुत बार आती हूँ जी, आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग इश्यूज। इतना फेक नैरेटिव कश्मीर के खिलाफ जो आप फेक कह रहे हो, मेरे
यहाँ पर जो रियलिटी उस पर बेस्ड है सर, आपकी अपनी परसेप्शन है। अच्छा चलिए ये मैं आपको ये कह रही थी, जो मैं आपसे बात कर रही थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये तय कर दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हटाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। मामला गया था कोर्ट में, आपको आज बेल जो मिली वो भी उसी कोर्ट से मिली है, ठीक है ना? आप उस बेल को मानते हैं, उस जजमेंट को नहीं मानना चाहते, वो आपकी चॉइस है, मैं वो आप पे छोड़ देती हूँ। वो लॉ में है, यू कैन डिफेंड द गवर्नमेंट, हाउ इज द क्राइम? हाँ ठीक है, तो आप जाकर उसको अपील कीजिए और उस पर बात कीजिए, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। बस एंटी इंडिया बात नहीं होनी चाहिए, आप पाकिस्तान से बात क्यों चाहते हैं, बस ये बताइए मुझे। सही कहा आपने, आपको नहीं लगता पाकिस्तान इस पूरे जम्मू कश्मीर के मुद्दे का एक पार्टी है? नहीं मुझे नहीं लगता। शाबाश, मैं अब आपको ही एक दो काउंटर क्वेश्चन करूंगा। प्लीज करिए। अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने, बल्कि हर प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन भी है जो इंडिया पाकिस्तान के रूल के लिए एग्री किया कि हमें रेफरेंडम कराएंगे, हुआ नहीं हुआ? उसके बाद वो रेजोल्यूशन निरस्त हो गई, हुआ नहीं हुआ? अभी इशू पड़ा है वहां के, और क्या है पाकिस्तान को? मैं क्यों पार्टी नहीं मानती, मैं पाकिस्तान को पार्टी इसलिए नहीं मानती क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जिसकी आप बात करें, जिसमें पीओजेके भी है, वो इंडिया का अभिन्न अंग है। अगर कोई जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा कर लेगा तो आप उसको पार्टी थोड़ी मानेंगे। सुनिए ना जी, सुनिए ना, मतलब एक उसको कहते हैं एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। किसकी चोरी? सुनिए ना, मैं आपको बता, आप समझिए, आप अवॉइड टू द वाइज, मैं कह रहा हूँ आपसे, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, थैंक यू, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन ये लखनपुर के उस पार जहाँ से जेएनके स्टार्ट होता है, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द राइट्स, मिसलीड किया। पहले मुझे बताया 370 क्यों रुका उठा किसी चीज में, कोई ऐसा कानून मुझे बताया जो शेख खानदान और मुफ्ती खानदान ने कश्मीर में नहीं लाया बिकॉज ऑफ 370। फिर यूएपीए कश्मीर में आता ही नहीं अगर वो 370 का इस्तेमाल करते, फिर कश्मीर के लोग जेलों में होते ही नहीं, जीएसटी आता ही नहीं, अभी पार्लियामेंट कानून पास करती नहीं थी, ये इनकी एक्सटेंशन विंग्स पीडीपी थी एनसीटी उसको इम्प्लीमेंट करते यहाँ पर 370 वाज जस्ट अ परसेप्शन ऑन ग्राउंड। आप मुझे पूरा सवाल जवाब जवाब मुझे आप देने दें, पब्लिक लाइफ में मुझे जवाब देना है, आप मुझे आपका सवाल जवाब मेरा है। तो पहले मैं पीओके की बात, पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान पार्टी क्यों है, ठीक, महाराजा ने अलाउ किया, एक्सेप्शन किया, उसके बाद आधा कश्मीर वहां गया, आधा कश्मीर इधर आया, तब से आज तक शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, यहाँ के वहां गए, हुरियत से बात की, एडवानी ने हुरियत से बात की, दिल्ली में उनका ऑफिस रखा, बस के जरिए मुजफ्फराबाद गए, मुशरफ से आगरा मिले, मिलिट्री कमांडो से यहाँ बात की, आप बेसिकली हमें ताकत के बल पर आज भी यह कह रहे हैं आप इतिहास सारा कुछ भूल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यू नीड टू गिव अस अ डिग्निफाइड रेजोल्यूशन। पाकिस्तान इसलिए फरीक है, आप अगर हम अमित शाह जी की बात ही मान लें कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, मुझे एक चीज बताइए उसका तरीका क्या है, पाकिस्तान क्रिएट करेगा नहीं, बॉर्डर तो खुलेगा नहीं, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, लेट मी ट्रस्ट हिम, वो कहते हैं कि हमें 100% पता कि वहां के लोग इंडिया में आना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए उनसे राय पूछी जाए कि आप एक वोट के जरिए रेफरेंडम करा के जैसे दुनिया में हुआ आप इंडिया में आना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो सारा पीओके आपका हो जाएगा, नहीं या तो आप झूठ बोलते हैं, कुछ शर्म तो कर लीजिए ना, या एक तरफ कहते हैं आप सारा पीओके हमारे साथ आने को तैयार है, टीवी चैनल पर उतना हो सकता है सही हो, आई एम नॉट रिपोर्टिंग एनी क्लेम मैं मानता हूँ आप 100% सही कहते हैं कि पीओके का बच्चा बचा हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, अच्छी बात है, हमारा ज्यादा फायदा होगा, एलओसी खत्म होगी, लेकिन पाकिस्तान खुलेगा नहीं। अब पाकिस्तान भी कहता है, हम भी कहते हैं कि एक तरीका कर लो, रेफरेंडम करते हैं, लोग उसे पूछते हैं, तो फिर आप डर क्यों लगा रेफरेंडम से? इधर भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप मेरा नया कश्मीर, हर जगह शांति, सब शांत, आप यहाँ बिल्कुल सारे कश्मीरी हमने उनको हिंदुस्तानी बना दिया, इलेक्शन में 60% वोट पड़ रहे हैं, वो 60% अगर मोदी जी के कन्वेंशन को पढ़ते फिर वो खुद ही कहते हैं कि हो सकता है 80% आर पार जम्मू कश्मीर के लोग
कहें कि हम हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहेंगे, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, सारा मुद्दा एक ही बार हल होगा, फिर एक बात नहीं की नहीं। एक तरफ आप दावा करते हैं ये कश्मीर के लोग भी हमारे साथ हैं, वो कश्मीर के लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन टांगे आपकी लड़खड़ा रही है, इंजीनियर को जेल में डाल रहा है, गिलानी को जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मीरवाइज दुकान में बंद कर रखा है, ये कहां की बात है? आप ताकत के बाद करने नहीं दे रहे हैं, आप मुद्दे ही खुद बनते हैं, मुलजिम खुद बनते हैं, जज भी खुद ही बनते हैं, फैसले भी खुद ही देते हैं, अब एक बार बताएं आप बताए आपका घर है, परसों आके मैं इस घर में बैठ जाती हूँ। वो तो आप 47 में आके परसों आके आपके घर में बैठ जाती हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं हटूंगी या नहीं, आप मुझे हटाएंगे? हटाऊं? नहीं, आप मुझसे पूछेंगे मैं हटूंगी या नहीं, आप मुझे हटाएंगे? मैं पूछूंगा पहले, अगर आप नहीं मानेंगे मैं आपको भी कोशिश करूंगा आपको निकालने की। आप करेंगे ना? हाँ। तो आप फिर इंडिया से क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे पूछे? वंडरफुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैम, लेकिन मुझे एक सवाल बताइए आप, आपने खुद हमें ना कुछ लेना ना कुछ देना, वो अंग्रेज बेवकूफ थे, उन्होंने आपको आजादी क्या दे दी? क्या आप अपने कंट्री को यूनाइट नहीं रख पाए? आप सुनिए मैम, हम टाइम 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 आपका भी प्रेशर है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया और पाकिस्तान गया, कश्मीर को कुछ लेना देना नहीं, तो गए क्यों आप लोग यूनाइटेड नेशन में? आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल बस उस सवाल का जवाब दीजिए। हम तो छोटे, आप मुझे हटाएंगे ना, मैं आपके घर से निकल जाऊंगी। हम तो छोटे, मैं छोटा नहीं, अंजलि राशिद साहब की मेरी भाषा है, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं इस तरह की बातें नहीं करती हूँ। आप छोटे कश्मीरी, आप मेरे भाई जैसे हैं, ऐसा बात नहीं, हम फेलो इंडियंस हैं। मैं उस लेवल पे जाके डिबेट नहीं करना चाहती, डिस्कशन नहीं करती आप मेरे की, मैं जिसमें मेरे और आपके बीच में कोई डिवाइड नहीं, मेरे और आपने कोई डिवाइड नहीं है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चुनकर आए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती, आप गए ना, आपने जनता की बात, डेमोक्रेसी होती 10 साल से यहाँ पर इलेक्शन में हुई होती सर, तो 10 साल में सुने तो 2014 में हुआ था, 2019 में 370 घटा, उसके बाद कोविड आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स है, लिमिटेशन हो रहा था सर, ये मानते हैं आप नहीं मानते हैं, लिमिटेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, प्रोसेस चल रहा था या नहीं चल रहा था, अगर आपने पर अभी आप जिस सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे थे, एक छोटी सी बात, नहीं नहीं मैं पहले आपको सवाल का जवाब, आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट से चुनाव होना चाहिए, जी वी आर नॉट गोइंग टू लेट इलेक्शन बोर्ड हेल्प, मत करो चुनाव यहाँ वैसे, अरे सुनिए ना, सुनने की हिम्मत तो कीजिए, बोलिए आपने हिम्मत, आप चला रही हूँ, चला रही बात कर रही हूँ, आप नहीं, आप चला रही है मैडम, आप सुनिए, आपने कहा, आपने मुझे मेरे जहन से निकल गई बात, डिलिमिटेशन की बात, पूरे देश में डिलिमिटेशन कहीं नहीं हुआ, फ्रीज हुआ है, ये हमारा स्पेशल स्टेटस था कि 370 हटने के बाद आपने कश्मीर को सिंगल आउट करके डिलिमिटेशन करी, और उसमें क्या किया, हर पूरी कंट्री में पॉपुलेशन में सेक्रेटरी है, कुछ शर्म तो कर लो, आप कुमनल लाइन्स पर हमें मारना चाहते हैं, आपने हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिया, आपने जम्मू कश्मीर में 6 सीटें दे दी और हमें 1 सीट दे दी, यू वॉन्ट टू चेंज द जो हमारा ये आइडेंटिटी हमारी है, सब कुछ जम्मू में किस लेवल पे 6 सीटें, अगर पूरी कंट्री में पॉपुलेशन आधार है, यहाँ आपने किस आधार पर कश्मीर में 1 सीट दे दी, मोदी जी का एजेंडा है कश्मीर में RSS की जड़ें मजबूत करके कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना, ऐसा हम करने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा हालात है, राशिद साहब, ये तो आपको एड्रेस करना चाहिए, काश टाइम होता, बस 5 मिनट, बस ये इस सवाल का जवाब, काश टाइम होता मैं आपसे 1 घंटा बिल्कुल, ताकि दुनिया देखे, मैं दोबारा हूँ, क्या कहना है, मैं दोबारा, सवाल है, आपने उनको पॉलिटिकल राइवल्स कहा, नहीं है, सुनिए ना, आप तो मुझे कह नहीं दे रहे, अरब गोस्वामी की तरह, नहीं मैं अरब गोस्वामी नहीं हूं, मैंने कहा उनकी तरह, सुनिए ना, मेरा इतना लिमिट, आई लाइक इट डिस्कशन, मुझे बहुत मजा आया, यू मस्ट आस्क टफ क्वेश्चंस, कहना चाहिए, अच्छी बात है, दैट्स योर राइट, दैट्स माय राइट, मेरा इतना पॉइंट्स में लिमिटेड है, वो मेरे पॉलिटिकल राइवल्स, उनके लिए मैं राइवल हूँ, उनकी उनको सिर्फ पावर चाहिए, वो मेरे लिए राइवल नहीं है, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जो उनके लिए भी है, क्योंकि उनमें उतनी जरूरत नहीं है कि वो मोदी के मुंह पर बात कर सके, थैंक यू। चलिए इंजीनियर राशिद साहब, पॉलिटिकल रैली उनकी है और अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, ही कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड, दिल्ली वाले इनको बताया जाता है, हालांकि ये सवाल अभी मैं सर से पूछ नहीं पाई, मुझे डिस्कशन क्लोज करना पड़ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर रशीद साहब डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए, 1 इंटरव्यू हमारा ड्यू रहा, जब आप थोड़े से फ्री होंगे तो वो 1 घंटे की बात भी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।